जी ये वो घर है जो आप कह रहे हैं, भाभी का, हमारी भाभी का। वो नीचे वाला? वो मेरे चाचे का, पहले हम वहीं रहते थे। अच्छा अच्छा, तो अब वो चाचा वहाँ रहता है, हम दो यहाँ ऊपर आ गए। अच्छा, उस घर से दो गए थे जो का भाई? हाँ भाई, सके भाई होते। आप ये ड्राइविंग का शौक भी रखते हैं? ये मेरे कजन की गाड़ी है, मेरी गाड़ी लड़के के पास है उधर जम्मू जम्मू में। हाँ, मैंने स्कूटी देखी आपने लिए था यहाँ, अखरोट का पेड़। हाँ ठीक है, उधर ये। हाँ अखरोट का पेड़ मैंने जिंदगी में पहली बार कल अखरोट तोड़ के खाया। फिर अरे मजा खुशी हो गई ना। कौन सा ये? घर अच्छा, वो हाँ सूखा वो पुराना नहीं, पुराना नहीं, गिरा वो ऊपर। अच्छा अभी नहीं हुआ है पूरा ना, अभी कच्चा है। नहीं एक तो खाया था, एक वो पता नहीं वो गिर गया और पका था। अच्छा कोई हो गया, बस ये बस होने वाले हैं त्यौहार। अभी एंडिंग अगस्त सितंबर के महीने में तो ठीक हो जाएंगे, 10-15 दिन और। ये बात है 20 मार्च सन 2000 की, होली का वो दिन। जम्मू व कश्मीर के अनंतनाग जिले के एक छोटे से गांव छत्ती सिंहपुरा, जहां की ज्यादातर आबादी सिख धर्म से जुड़ी है। शाम के तकरीबन 8 बजे थे और हर किसी घर में चूल्हे पे कुछ ना कुछ पक रहा था। कहीं रोटी पक रही थी तो कहीं रेडियो टीवी पर समाचार चल रहे थे। कुछ लोग गुरुद्वारे से अरदास करके अभी अभी घर लौटे थे। वहां दूसरी तरफ गांव में कुछ अनजान लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के लिबास में गांव में दाखिल होते हैं और कुछ ही देर में हर सिख परिवार के दरवाजे पर दस्तक होती है। बताइए कुछ उस दिन के बारे में। 20 मार्च की बात है, 20 मार्च 2000, होली वाला दिन था। तो उस 7:30-8 के दरम्यान से हम गुरुद्वारे से निकल रहे थे शाम के दीवान जो सिंधिया का, सिंधिया जो बोलते हैं ना, ऐसे हम ये सिंधिया समझते हो आप, वो दीवान करके निकल रहे थे। तो बाहर हम लोग आए तो देखो कुछ वर्दी पोस्ट थे, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ कोई बात करनी है। लेकिन वो वर्दी पहुंचे तो ये एक पार मोहल्ला है, एक शौकीन मोहल्ला, शौकीन वहाँ से आए थे। वहाँ उन्होंने 17 बंदों को वहाँ खड़ा किया, 17 को वहाँ पर। किसको खड़ा किया था? 17 17 लोगों को। कौन थे वो लोग? 17 सरदार खड़ा किया था, वो निकाले थे घरों में से उस मोहल्ले के। अच्छा, उस मोहल्ले के 17 लोगों को मित्र टांग, हाँ आराम से बैठे जैसे, उसको निकाला था, उनको निकाल के वहाँ रखा था और वहीं से वो आए इधर इस गुरुद्वारे के पास। यहाँ से 19 लोगों को इकट्ठा किया। वर्दी क्या पहनी हुई थी? चित्रा वर्दी थी, आर्मी की, आर्मी जैसी वर्दी थी, चित्रा वर्दी थी। तो यहाँ पर 19 हम लोग थे, 19 लोगों को यहाँ लाइन में इकट्ठा किया। वहाँ 17 लोगों को, कुछ बंदे उनके, कुछ आदमी वहाँ रहे, कुछ यहाँ रहे, 36 बंदे 36। तो लाइन लगी थी तो लास्ट में उसने कहा कोई 10-15 मिनट लाइन लगा के, तो बोला इनकी आइडेंटिटी कार्ड चेक करो। पहले बोले थे कि यहाँ कुछ मिलिटेंट्स आते हैं गांव में, तो हमने आपसे कोई बात करनी है, इसलिए हमने आपको यहाँ बुलाया। तो यही घर था मेरा, इसमें डबल स्टोरी नहीं थी, सिंगल स्टोरी थी, यही था। तो ये मेरा ब्रदर, मेरा बेटा, मेरे 3 कज़न वो यहीं बैठे थे, उनको यहाँ से निकाल के ले गए। बोले जेंट्स जो हैं बाहर आ जाओ, कोई बात करनी है, मैं ऑलरेडी गुरुद्वारे से निकल रहा हूँ। तो ये भी वहीं आ गए, कुछ जो गुरुद्वारे के सामने घर थे वहाँ से कोई निकाले गए लोग। तो बहरहाल 19 लोग वहाँ इकट्ठे कर दिए, इकट्ठे कर, तो वो 17 वहाँ इकट्ठे किए थे। तो बस उसने फिर लास्ट में फायर किया हुआ, उसमें सब बच्चे भी थे, जवान जवान थे, ये 16 साल के थे, 16 साल मतलब जेंट्स को निकाला गया घर से, जेंट्स सारे जेंट्स थे, जेंट्स सबको। अच्छा, तो उसने फिर हवा में फायर किया, बाकी लोग जो और सामने खड़े थे उनको तो अंदाजा भी नहीं था कुछ था,
नहीं इतना अंदाजा अंदाजा लगा मुझे। हाँ नहीं आप उस लाइन में थे आप? नहीं जब लाइन में था तो हमारा एक था वहाँ पर सरदार चरण सिंह था, वो फौजी, वो फौज से रिटायर हुआ था, उसके बाद फिर वो यहाँ मिशन डिपो में काम करता था, वहाँ से भी रिटायर हुआ वो। तो उसको मैंने, वो साइड में था तो मैं लाइन से मुझे कुछ ऐसे पता चल गया जैसे कुछ होने वाला है। मैंने उसको कहा मैं चरण सिंह जी यहाँ कुछ होने वाला है। बोला क्या मैं कहाँ कुछ होने वाला? उसने कुछ जवाब ना दे सका, कुछ बोल भी नहीं सका, पता नहीं क्यों नहीं बोला। उन्हें आइडेंटिटी कार्ड हमारे चेक किए, था किसी के पास था किसी के पास नहीं था, ठंड का मौसम था तो बस उसने हवा में फायर किया था, बाकी जो थी बंदे गनमैन गोलियां। मतलब उनको पहले से बोला जाता पता तो मैं ऊपर चलाऊंगा और वो उनका अपना था ना, जैसे क्रिकेट वाले ग्रेट कॉन्स्पिरेसी। हाँ ये तो कोई एक साजिश थी, प्लान था कैसे क्या करना है, जाना है कैसे करना है। उन्होंने गोलियां खोल दी, तड़तड़ मर गया, सब देरी हो गई, मैं भी गिर गया, मुझे भी कोई गोली नहीं लगी। लगी नहीं थी? नहीं लगी थी कोई गोली, पर कुछ भी नहीं, मेरे कपड़ों में गोलियां लगी थी लेकिन मुझे अंदर की गोली नहीं। अच्छा जैसे मेरे को कपड़ों में गोली लगी जैसे चली गई, कपड़े पाड़ दिए गए लेकिन अंदर गोली नहीं लगी। फिर जब मैं नीचे गिरा था तो बाद उन्होंने कहा कि देखो कोई सारा जिंदा मारा टारगेट लगा गोली मार। किस लैंग्वेज बात कर रहे थे? ऐसे जैसे तो उन्होंने हर लाज को टॉर्च लगा ला के फायर, मुझे यहाँ फायर, मैं ऐसे लेटा हुआ था ऐसे तो ये जगह बनी है यहाँ गोली लगी और ये गोली यहाँ से अंदर गई है इस जोड़े में जाके फंसी हुई थी, तोड़ के जोड़े को क्रैक करके उधर फंसी थी बोल्ट फंसा। उसके बाद फिर उन्होंने वो जय हिंद जय माता के नारे देते देते वो जहाँ से आए थे वहाँ से निकल गए, गोलियां एक साथ चलती बाहर भी इधर भी। आप बता रहे 19 लोग यहाँ थे और बाकी लोग वहाँ थे, 17 लोग मतलब सेम टाइम पे ऊपर गोली चलाई, वहाँ भी गोलियाँ चल गई। वो तो उसका मतलब था कि वो सिग्नल था, वो सिग्नल था हवा में फायर करने का सिग्नल था वो। मैंने ये सुना है कि उससे पहले जो है अमेरिका से एक टीम यहाँ आने वाली थी। अमेरिका से नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हिंदुस्तान आना था, इंडिया आना था, तो उसने उसकी वजह से किया या क्या हुआ, क्यों किया, क्या से हुआ, ये तो वो ही जानते हैं किसने किया किसने करवाया। मेरे हस्बैंड को बाहर निकाला, उन्होंने बोला हमने यहाँ बिल्टन आ गए कुछ, हमने क्रैक डाउन लगाना है, औरतें अंदर आओ तो मर्दों को बाहर निकालो। हम औरतें अंदर बैठ गई तो मर्द बाहर निकाले, 10-15 मिनट के बाद उनको सबको मार डाला था। कोई 60-100 साल का समय था, दो जगहों पर उन्होंने एक गलत झूठ की बुनियाद पर सरदारों को इकट्ठा किया और सिंगल कमिटी की दो जगहों के कतारों में खड़े करके बिना बताए बिन कुछ पूछे गोलियां चला दी। उन्होंने पूरा बांध किया था, मुँह शुँह बांध किया था उन्होंने, तो यूनिफार्म भी उन्होंने लगाई थी। उस वक्त क्या पता चलता मिल्टन है या गवर्नमेंट का है वो कुछ पता नहीं चला। वो किस भाषा में बात करते थे? भाषा यही उर्दू करते थे, पंजाबी भी करते थे उर्दू भी करते थे, मिक्स भाषा थी। और शूज़ भी उन्होंने अलग अलग लगाए थे, मैंने देखा खुद जब कांड हुआ मैं पहुंची पहले, बाकी सब अंदर थे। कि आप तो कश्मीर में रहते हैं, आपको पता है कि कश्मीरी कैसे बोल सकता है, या फिर अगर यहाँ का नहीं है कहीं और का है तो कैसे बोलते हैं? तो आपको लगता है कि यहाँ का कोई था या फिर कहीं बाहर से आया? नहीं, वो नहीं, क्योंकि वो वर्दी पोस्ट थे, अंधेरा भी था, उनमें काले पटके बांधे थे सिर पर, चिपता यूनिफॉर्म थी, तो कैसे क्या कर सकते। कौन सा वक्त है? 7:45 का था या शाम? कोई नाम वाम नहीं लिखा था, बैच से लिखे होते हैं कुछ? नहीं नहीं, सिर्फ एक अपने को बंसी बहादुर, पवन बंसी बहादुर करके बुलाते थे नाम। किसको बुलाते थे? आपस में, पवन आप वो साइड हो जाओ, पहले जब हम खड़े थे तब की बात है। तो किसी एक के मुंह से आपने सुना कि पवन? हाँ कहते ना पवन आप इधर हो जाओ, बंसी बहादुर ऐसे ऐसे नाम। अब वो देखो ये नहीं कह सकते हैं, ये तो एक प्लान भी होता है, ये प्लान भी हो सकता है, हो सकता है कुछ कैसे हुआ इसको, क्योंकि बाद में फिर जब ये आफ्टर दैट मसला तो इंक्वायरी के लिए एक कमीशन बैठाया था इन्होंने, लेकिन वो नाम का बोला लेकिन इंक्वायरी नहीं हुई आज तक।
आज तक ये प्रूव नहीं हो सका कि ये कौन थे। ये जो गोलियां निकली थी तो उनका भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सका कि वो कहाँ की है। ये तो वही जानते हैं, सरकारें जानती हैं। ये तो कोई रिपोर्ट वगैरह दी उन्होंने लास्ट में कि हाँ ये रिपोर्ट है आप उसे पढ़ो? वो पथरी बल का यहाँ एक जगह है जहाँ पर कुछ लोगों को मार दिया उन्होंने, 5-6 लोग इनोसेंट्स। तो कहा जी ये यही थे जी वो मिल्टन जिन्होंने सरदारों को मारा। बाद में उनकी इंक्वायरी हुई और वो साबित हो गया वो इनोसेंट थे, वो इनोसेंट थे। लेकिन हमारी यहाँ की इंक्वायरी नहीं हुई। आपके घर से कौन कौन थे? मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरे 3 कज़न, मेरा एक मामा, सक्का मामा मेरा छोटा, मेरी बुआ का लड़का, सक्की बुआ का लड़का, 7 मेंबर हमारे थे। आपके घर से 7 मेंबर निकले? हमारी फैमिली के 7 मेंबर। मेरे साथ मेरा एक कज़न, वो अभी जख्मी जिंदा था, उसको भी लाए। मैं दूसरा रूम साइड में रूम है, वहाँ पर हमें लटा दिया था, मुझे भी वहाँ लटाया, वो भी यहाँ लटा था। फिर 2 घंटे लग गए, डर पै गए, सहम गए लोग। फिर 2 घंटे के बाद यहाँ से 3, यहाँ गाँव के 3 जवान थे लड़के, अभी उस वक्त जवान लड़के थे, वो निकले फिर पैदल यहाँ से, यहाँ रंबेर पर एक गाँव पड़ता है, वहाँ गए। वहाँ एक लैंडलाइन लगा था, फ़ोन तब भी मोबाइल वगैरह नहीं थे, लैंडलाइन फ़ोन था किसी के घर में, उनसे उन्होंने फ़ोन किया था मटन पुलिस स्टेशन। फिर मटन पुलिस को इतला दी गई, तब फिर पुलिस आई, फिर उन्होंने मुझे उठा के ले गए फिर हॉस्पिटल। तो जो मेरा कज़न उसको भी उठाया था हॉस्पिटल के लिए, लेकिन जैसे गाड़ी में डाला वो सीधा था। गोलियों की आवाज नहीं गूंजी और जी सहम के लोग अंदर सहम, मतलब पुलिस नहीं आई उसकी वजह से? उस यहाँ का पास में पुलिस नहीं थी, नहीं आई पुलिस को, यहाँ से जाकर इन्फॉर्म करना पड़ा। पुलिस कैसे आती मटन से? कहाँ, मटन बहुत दूर है, 6 किलोमीटर दूर है मटन से, वो कहाँ आते सुनते? आपको जब गोली लेके बेहोश हो गए होंगे आप? नहीं, मैं आवाज कॉन्शियस एट दैट टाइम कॉन्शियस थे जब आपको ले जाया जा रहा था हॉस्पिटल। लेकिन एक चीज़ है, जब मुझे गोली, जैसे मुझे यहाँ गोली लगी मैंने हाथ रख दिया और मैंने हाई वाई नहीं किया। अगर मैं हाई वाई कुछ करता आवाज़ देता मुमकिन है और गोलियाँ मार जाते। आपको दर्द हुआ लेकिन आपने आवाज़ नहीं किया? नहीं, कुछ ऐसी ऊपर वाले नहीं किया कि मुँह से आवाज़ नहीं निकली। उन्होंने आपको सोचा कि आप मर गए? सोचा होगा कि मरा हुआ ही है, गोली मार दी तो अगर बोलता तो मेरे ख्याल में फिर और चलाते और चलाता। तो निकले कैसे, पैदल ही निकले या फिर गाड़ियाँ वगैरह थी? यहाँ से पैदल निकले, फिर पता नहीं गाड़ियाँ कहाँ थी क्या थी, वो गार्डोस वो नहीं कह सकते कहाँ थे, कहाँ किस साइड से आए थे पहले वो, लेकिन इतना पता चला कि आए वहाँ से, उधर से। वहाँ हमारे गुरु का बाग है, वहाँ हमारा 2 बसाख लगता है, वो ग्राउंड है उधर, वहीं से आए। अच्छा, वहीं से? हाँ, वहाँ तक जब पहुँचे मुझे पता लगा, वहाँ तक उन्होंने जाकर फायरिंग और की हवा में, वहाँ पहुँच के इसका मतलब कि वहीं से गए, आए भी वहाँ से गए वहाँ। बेटा कितने साल का था? 16 साल का। आप कह रहे हैं आपके भाई भी थे उसमें? मेरा भाई, वो भाई मेरा, वो छोटा था, ये उसके लिए मकान। इसका एक बेटा था उस वक्त 4 साल का, एक 6 साल का था। इसका एक बेटा 4 साल का, 6 साल का। कितने बच्चे हैं अभी आपके? मेरे 2 बेटे, 1 बेटी थी। बड़ा बेटा मेरा उस वक्त उस दिन घर नहीं था। अच्छा, घर नहीं था, आउट ऑफ स्टेशन, नहीं तो वो भी लगा। छोटा एक बेटा, छोटा सा घर में, छोटा घर में था। तो इनकी जो फैमिलियाँ हैं अब वो कौन चला? इसके यहाँ हैं अभी तो, इनकी मिस फिर अब वो लगी है स्कूल में, क्लास 4 लगी है। तो बच्चे जो हैं अभी पढ़ के, एक एक सर्विस करता है, फौज में गया है एक छोटा, एक दूसरा जो है अभी उसने MBA किया है, लेकिन अभी अनएम्प्लॉय है वो। बेटा यहीं पढ़ता था? यहीं पढ़ते थे। हाँ, कभी आपको खुद कहीं से पता चला हो, क्योंकि हमेशा आप फिर खोज में तो रहे होंगे, तो कभी आपको खुद से कुछ पता चला हो कि कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन आई हो? नहीं, कौन थे? नहीं, ये देखिए सुनिए मेरी बात, जो हमारा यहाँ आपका आपस का यहाँ हमारा जो भाईचारा है ना कश्मीरियों के साथ खास, क्योंकि हम कश्मीरी और सरदार पंडित रहते थे, तीनों फिरकों का बड़ा आपस में बहुत प्यार था, कोई ऐसी बात नहीं थी। टर्मोइल भी हुआ लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं देखा हमने। हमारे साथ शाना बशाना आते हमारे घर में, हम उनके घर जाते रहते थे। ये बीच में हो गया, ये समझ नहीं आई कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या इनको क्या कसूर था। निहत्ते थे बेचारे, बेगुनाह थे, घर से निकल गुजारे से निकल रहा था, कोई घर से निकाल के ले गए,
तो इन्होंने किया क्या था? एक कहने से शर्म आती है, मतलब अगर हम अपना, हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा हिंदुस्तान, तो अब ये कहने से शर्म आती है हमको कि क्यों हुआ ये, जिसका कोई कसूर ही नहीं है, कसूर ही नहीं है, तो उसको उसके उसके ऊपर क्यों अत्याचार हो, ये अत्याचार ये जुल्म क्यों हो, जब हमारी डेमोक्रेसी है, जब हमारा अपना आइन है, हमारा अपना मुल्क है, हम यहाँ के बाशिंदे हैं, हम मानते हैं हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, तो लेकिन ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। तो 90 से लेके 2000 तक, नहीं मैं कह रहा हूँ 90 से लेके 2000, जबकि काफ़ी ज़्यादा कश्मीर में कहते थे हालात ख़राब है, तब आपने कुछ देखा? नहीं, कुछ नहीं देखा। देखते थे हम, मिलिटेंट्स भी फिरते थे, घूमते थे, आर्मी भी आती थी, लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं था। अच्छा, ये जो 90 के दशक में कश्मीरी पंडित यहाँ से जा रहे थे, तो सिखों पे भी कुछ था ऐसा कि आप भी निकलिए, आप भी जाइए? करते थे कोशिश, क्योंकि जब पंडित भाग रहे थे, सरदार भी, कुछ कुछ गए हैं, कुछ थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। नहीं, उस टाइम जैसे उनके घर पे लेटर दिए गए कि आप निकल जाना इस दिन तक, नहीं तो मार दिया जाएगा। नहीं, हमारे घर में आपके घर में लेटर नहीं मिले? कोई अफवाह कुछ, कोई? नहीं नहीं, ऐसे नहीं सुना, ऐसे कुछ नहीं सुना। बोलेंगे, डर का माहौल था, लेकिन क्या डर का माहौल था? डर का माहौल था, वो तो बन नहीं गया। लोगों ने फिर कुछ देखिए, फिर यहाँ पर से जमीनें बेची, लोगों को बेचनी पड़ी, फिर वहाँ पर जमीनें लेनी पड़ी, क्या सोचते थे शायद कहीं बाहर जाना पड़े, वहाँ पर मकान के लिए जमीन बनाई, किसने 5 मरले लिए, किसने 4 मरले लिए, किसी ने 8 मरले, किसी ने 10, तो वहाँ पर मकान शकान बनाए, ताकि क्या बताए, क्योंकि जब स्थिति बन जाती है ना किसी चीज़ की, तो माहौल जब बन जाता है, फिर सोचता है बंदा कुछ आगे के लिए, तो वैसे नहीं रहा। अब आज कल ठीक है ना, मर्जी है। कल हम उन लोगों से मिले थे जो, क्या कहाँ पे गए थे हम? अनंतनाग गए थे, वहाँ पे एक कश्मीरी पंडित फैमिली है, तो उन्होंने भी माइग्रेट नहीं किया यहाँ से, वो अकेले अकेले परिवार है। हाँ हाँ हाँ, दुकानदार साहब, देखिए मैं जब जख्मी हुआ, मैं वहाँ अमृतसर, मुझे ले गए पहले, मुझे आर्मी हॉस्पिटल में ले गए, उधर से बाद में 20-25 दिन आर्मी हॉस्पिटल रहा यहाँ बदामबाग, वहाँ से फिर मुझे शिफ्ट किया अमृतसर, वहाँ पर मेरा ये जॉइंट चेंज करना था, तो वहाँ ले गए मुझे, फिर वहाँ से फिर वापस आए, मैं जम्मू रहा, मेरा कज़न रहता जम्मू, तो उसके घर में रहा मैं 2-3 महीने, उसके बाद फिर मुझे कहने लगे आप ये माइग्रेशन ले लो, माइग्रेट, मैंने कहा नहीं, मरेंगे तो अपने देश में, अपने नेटिव गाँव में रहेंगे, तो वहीं मैं यहाँ आ गया। क्या मैंने माइग्रेशन नहीं ली, हालांकि नाहक माइग्रेशन ली है लोगों ने उस टाइम, लोग हाँ काफ़ी लोग किसी नुकसान के बगैर ही माइग्रेंट थे, लेकिन हमने माइग्रेशन नहीं ली। उसके बाद लोग गए जब वो 2000 हाँ, उसके बाद बहुत सारे गए माइग्रेंट, माइग्रेशन लिया लोगों ने, लेकिन मैं, मेरे साथ इतना एपिसोड हुआ, इतना नुकसान हुआ, लेकिन मैं फिर भी घर आ गया। आप जब वापस आए हॉस्पिटल से, तो क्या माहौल था यहाँ पे? माहौल बस डर का ही था, रात लोग डरते ही रहे। नींद आती थी उस वक्त? नींद तो उड़ गई थी जब इतना नुकसान हुआ, जवान बेटा घर से चला गया, भाई और 3 कज़न थे, और भी 2 मिला के 7 हमारे फैमिली में, के जो हमारे साथ बैठते थे, उठते थे, आते थे। अब देखिए आप यहाँ बैठे हैं तो कुछ लगता है कि इस कमरे में कोई है, जब आप चले जाओगे तो हम खाली हो जाएंगे, है ना। मेरे बेटे उस वक्त, उसको वो था थोड़ा तकड़ा, देखा आपने शक्ल उसकी, देख लिया, बड़ी प्यारी शक्ल, बड़ा हैंडसम, सफ़ेद पग में जो है ना, हाँ, तो वो क्रिकेट खेल के आया था, आते उस माँ को बोलता मुझे खाना दो, वो जल्दी करता था, अगर कभी ये थाली पूछती थी ना, बोलते उसको क्या पूछने की जरूरत है, इसमें क्या लगे जल्दी करो, उसको भूख लग जाती, तो उसने ये खाना डाल दी थी, तो वो बाथरूम में गया हाथ धोने के लिए, इतनी देर में लोग आ गए अंदर, सॉरी, तो वो खाना रह गया अंदर ही, खाना नहीं खा, थाली में पड़ा उसको वहाँ से वो तो 3-4 दिन के बाद वो खाना शायद बाहर कर लो, ये ऐसी ऐसी थोड़ी बात, अब क्या करें, मुंह धो के बाहर निकलना पड़ता है, वरना देखा जाए तो हालात जो मारे हैं वो ठीक नहीं है। जवान बेटा था, खेलता खेलता आया अंदर, खाना मांगा, माँ ने खाना परोसा, परोस के रह गया थाली में,
वो माँ क्या जी या बाप, तो अब क्या कर सकते हैं, अब करना पड़ता है बात। जब 20 साल हो गए, अभी जब ये कभी पकारती है तो उसका नाम लेती है, उसको उसका नाम गुरमीत सिंह था। जब कभी भी इसको उसको बोलते थे हम गोप, निकनेम उसको गोप गोप बोलते थे, माँ का बोलना। तो अभी भी किसी को कोई बात उसको बोलते गोपा इधर आ, गोप यहाँ जा। 24 साल बीत गए। तो ये हमारे साथ एपिसोड हुआ है, ये आप किसको बताएं, कौन सुनेगा, सुनता कौन है, कोई नहीं सुनता है। हालात दिन बदलते जा रहे हैं, तो कोई किसी का दर्द महसूस नहीं करता है, ऐसी स्थिति है। दर्द महसूस करते अगर कोई किसी का तो वो होता नहीं, होता नहीं। फिर वो होता नहीं। देख लो तो 24 साल हो गए, मगर ऐसे याद है कि जैसे कल हुआ। वो दर्द अभी गया नहीं है। और कैसे जा सकता यार, ये नहीं जा सकता। साथ परिवार के साथ लोग, कोई छोटी बात थोड़ी है। ऐसे लगता होगा कि आधा परिवार ही चला गया। बस यही कहानी थी उस एपिसोड की। कैसे दबा के रखा है आपने इतना कुछ? क्या करें, हिम्मत करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा गुरु ग्रंथ साहिब कहता है जो हुआ हो वो सो जाने, कहता है कि जो कुछ हो गया नहीं इसको होना था, अब हिम्मत करो। रब अपने का हुक्म पछाने, कहता है अब उसका हुक्म मानो, जो हुआ जो होना था अब हुक्म उसका मानो। तो आपका जो दूसरा बेटा है, बड़ा वाला बेटा, वो यही है? हाँ, वो सर्च करते हैं, सेक्टर में सर्च करते हैं। वो उसे भाई के डेथ के ऐसा पर लगा है, तो उसकी वजह उसको भी नौकरी मिली, और कोई एहसान नहीं हुआ। एक लाख रुपये और एक नौकरी मिली है हर परिवार को। बस ये था ऐसा रोग बना हुआ था ऑलरेडी, पहले से बना हुआ था। हाँ, पहले बना था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया यहाँ पर। कौन था गवर्नमेंट उस टाइम, किसकी सरकार थी? ये बीजेपी थी, बीजेपी, बीजेपी सेंट्रल बीजेपी की सरकार, यहाँ नेशनल कांग्रेस। अच्छा, ऐसा क्या लगता है कि बिल क्लिंटन यहाँ आया उसी वक्त, ये हुआ, कुछ कनेक्शन है? क्या पता है, इंडिया में आया ना, इंडिया में आना था। हाँ, यहाँ कश्मीर में नहीं, मतलब इंडिया में आया तो यहाँ से कुछ नहीं। उसने लिखा अपनी बुक भी, एक लिखी उसने, हाँ। लिखा है कि अगर मैं ना जाता तो बेगुनाह से न मरते, उसने ऐसा लिखा लिखा है। लेकिन ये वैशानापन, ये जुल्म, चाहे सरकार करे, चाहे लोग करें, चाहे अपने करें, चाहे पुराने करें, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। अभी आप दोनों अकेले रहते हैं यहाँ पे? हाँ, अभी हम दोनों अकेले हैं, मेरी भाभी है वहाँ, मेरे अंकल वहाँ नीचे वो मकान में। अच्छा, रियल अंकल जिसके दो बेटे इकट्ठे गए। अच्छा, वही मेरे कजन दो रियल इकट्ठे थे, बार हमारी फैमिली पहले इकट्ठी होती थी वहाँ, एक ही मकान था सारा हमारा। वो कितने बड़े थे? वो एक 24 साल का था, एक 22 साल का था। वो भी फोटो लगे हैं, वो 5 लड़के हमारे ऊपर, वो फोटो लगे हैं, मैं अभी उतार कर दिखाता हूँ। ये 5 लड़के हमारे, ये मेरा भाई, ये मेरे चाचे का एक लड़का ही है, एक ये दो भाई सके भाई, ये दूसरे चाचे का, और ये मेरा बेटा। 1 साल हुआ था इसकी शादी को सिर्फ, फिर वो लड़की भी करेगी घर से। ये हमने ऐसे फोटो कलेक्ट करके बनवाया है। तो कोई रखते थे मदद, तो ये मेरी मदद, इसकी डेथ हुई है इसमें 22 जुलाई, 1st अगस्त 22। ये भी टूट गई होंगी उस टाइम। हाँ, ये भी चीज है। Thank you.
ये लोग कौन है? ये सब कौन से परिवार में? ये मेरी बहू है, ये तो ये मेरे चाचा है, ये मेरे कजन अंकल है, इनका बेटा है ये। अच्छा, इसकी इसकी डेथ के बाद 2 साल के बाद इसकी डेथ हो गई। ये रोता रहा बस उसी शाख से इसकी डेथ। ये मेरा बेटा, तो वो है दूसरा कजन मेरा, ये वाला, वो वाला, वो जो है वो है वो वाला, तो वो उनकी मदर, इन मेरी चाची मेरी, वो साइड में जो है उधर, ये वो इसकी भी डेथ हो गई है 4-5 साल के बाद, इसके एपिसोड के बाद इसकी डेथ हो गई। इसके 2 बेटे चले गए इकट्ठे, बेचारी रही। इसका ये बेटा था बड़ा होनहार बेटा था, इसको बेचारे की ये तो 1 ही साल निकला इसका। काफ़ी घर खा गए हो? काफ़ी घर खा गए। आप जब भी दिल्ली आएंगे ना, 4 घर हैं आपके पास, ठीक है, तो कम से कम 8 दिन तो आपके पास होने चाहिए। जो आएंगे तो आप मिलेंगे जरूर, कम से कम होने चाहिए। कोई बात नहीं, मिलेंगे आप। और ये नहीं कि आपने झूठा वादा कर दिया हमें कि हाँ मिलेंगे, नहीं नहीं, जब आएंगे जरूर मिलेंगे। हाँ, सिर्फ आने चाहिए बस। आए, ये मेरी भाभी है, छोटी थी जब, 4 साल का था एक बेटा, 2 साल का, 6 साल का था जब ये बेचारी विधवा होगी। तब अच्छा, तब से बेचारी रही है ऐसे। आप इधर बैठिए, बैठो, कोई जाइए, आप बैठ जाइए। शादी की है ना, अभी बैठना पड़ेगा। बस भी नहीं, भी नहीं रखी है। ना ना, आप पियो, आप ले लो उसको, दो ना ना ना, दे कोनी, वो भी पियेंगे, कोनी कोनी ना, दे चा, दे 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 पियो, नूनली, रखो रखो रखो, हम ले दे 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 दे, अच्छा दे, अच्छा दे, लो ना, कुछ आपका आपका लो, क्या दे सुबी लो, आप लो ना, बस फिक्की चाय रखी मैंने। अच्छा, फिक्की, हम दिल्ली में रहते हैं, मुझे इतनी खामोशी की आदत ही नहीं है। हाँ, कितनी खामोशी है, तो है ना, गांव है ना, गांव में इतना, सिटी में होता है ज़्यादा शोर, गांव में कम होता है। और गांव में एक चीज़ ऐसी है कि खुली खुली जगह है, मकान खुले खुले, कंजेक्टेड नहीं है, किसी आवाज ही सुनाई दे रहे हैं, नहीं ना, हाँ कंजेक्टेड नहीं है ना, मकान के साथ मकान जुड़ा रहता है सिटी में, शोर शराबा गाड़ियों का आजकल, फिर तो आपको पता ही है कम्युनिकेशन कितना बढ़ गया है। दिल्ली से इनको खूबसूरती की आदत भी नहीं है, ये सिर्फ मकान देखते हैं कॉन्क्रीट के, उसके अलावा इनको किसी चीज की आदत नहीं। कश्मीरी होने का ना गलत फायदा उठाते हैं, मेरा कश्मीर ये, मेरा वो, तेरी दिल्ली ये, तेरी दिल्ली वो है। आप कश्मीरी, आप बताइए, आप बताइए, आपको अपने कश्मीरी होने पे गर्व नहीं है? नहीं है, देखिए कश्मीर है ना, लेकिन ये आदमी दिन रात मेरे पीछे पड़ा रहता है, कुछ तो दिल्ली वाला है, तो कंक्रीट में रहता है। चलो, ये आपको मुबारक हो कि आप ऐसे हंसते खेलते दिन निकाल रहे। अरे भाई है मेरा, ये आपको मुबारक, मैं आपको मुबारक करता हूँ, आप ऐसे आपस में हंसते खेलते दिन निकाल रहे हो ना, ये कहीं नहीं मिलेगा, जो गुजर गया दिन वो नहीं आएगा। बस ये याद है, मेरे वैसे तो बहुत जुल्म हो गया, मेरी बच्ची का फोटो लेकर आपको याद आता है? और नो नो, कोई मेहमान आया, भाई बहन लड़को अंदर में भाग गया, 18 साल का बेटा, गर्मी पड़ रही है, ये ऐसे बीमार हो गया, कुछ नहीं लगा, कोई दर्द हो गया, कुछ नहीं फिरता, ऐसे ले गए तो उधर गोली के साथ, और क्या कर सकते, वो भी इसका हस्बैंड भी, वो भी 5 घर के चले गए, मातम हो गया होगा पूरे गांव में, एक बच्चा बस, इतनी गोली तो उनको भी लग गई थी। हाँ, इनको भी लाके बड़ा पैसे लगे इनको भी, तो इलाज का खर्चा आपने खुद दिया था उस टाइम की गवर्नमेंट ने? खुद भी लाया नहीं, कुछ जो वहाँ पर डॉक्टर हरदास पंजाब में रहते थे, तो उन्होंने फ्री ऑफ, बाकी जो मेरे ये जॉइंट पे हमने लाया, ये मेड इन फ्रांस है, वहाँ से लाए थे, 44,000 का तब आया था। अच्छा, तब 24 साल पहले इतना, इसमें दूध देसी वाला कैंचू ना ना ना, ओट में होता कैसे बारी, हां नहीं, दूध नहीं है वो, थोड़ा सा बारी दोस्तों,
बाहर तक चले क्या, चल सकते हैं? तब तो इतने मकान ही होंगे। कौन से? मतलब ये नहीं थे, ये सब थे। हाँ ये भी था, सब कुछ था। गाड़ी कहाँ देखी आपने? ये मतलब गाड़ी है, ये वाली। ये कहाँ गए? ये नया बांद्रा गुरुद्वारा। वो जगह आगे है जहाँ पर इकट्ठा किया तो गोली लगी थी, वो जगह कहाँ पे थी? ये सामने द्वार है, वहाँ चल सकते हैं? ये द्वार कहीं जा रहे हैं हम? ये जहाँ निशान लगे हैं गोलियों के निशान, ये जो हमने वाइट वाइट लिखा है ना, गोलियों के निशान। यहाँ से वहाँ तक लाइन में खड़ा लाइन में खड़ा किया। गुरुद्वारा तब था या फिर उसके बाद बनाया गया? नहीं, गुरुद्वारा था, ये ऐसे ही था, ये द्वार थी, ये ओरिजिनल द्वार है, ये डेडी भी थी। तो ये जो दूसरी लोकेशन थी वो कितनी दूर है यहाँ से? कौन सी? वो पार में। ये हैं जी शहीद हमारे, शहीदों के फोटो है, उनके हस्बैंड नंबरदार थे, वो यहाँ के गांव के नंबरदार थे। तब ये था वो जिसको मैं जैवर है बोलता। हाँ हाँ बता रहे थे इसी में। ये था बड़ा तगड़ा था, बड़ा था, बड़ा है। ये मेरा भाई था, ये मेरा कजन, ये भी कजन, ये भी, ये दो भाई सक्के। ये मेरा बेटा था, तुम्हारे साथ 16 साल के थे। चाची के लड़के है ना, चाची के लड़के, पुत्री एक लड़के, चाची के लड़के। ये बेटे साहब आपके, आप नहीं आते हैं? नहीं, आप यहाँ नहीं आते ना? यहाँ पे नहीं आते हो इस रूम में? इधर नहीं, नहीं आते ना, है ना? आते नहीं, इधर बहुत याद आते, दिल नहीं करता, आते नहीं, दिल करता। मेरे भाई दो भाई है, इसका भाई भी, भाई दो, इसके दो भाई, दो भाई, ये भाई दो, ये और ये सक्के भाई दो, दो भाई हस्बैंड। तो इस रूम में आके आदत ताजा हो जाती होगी आपकी? और क्या होता है, अभी ये बता रही कि मैं नहीं आती हूँ यहाँ पे, है ना? एयर बढ़ दी ना, मैं करती कुछ ही। 24 साल हो गए माता इसको, अभी भी उतना ही ताज़ा है ये सब कुछ, याद उतनी ही ताज़ा है, दर्द वही है अभी भी। कौन है आप परिवार में? आपके घर में? अच्छा, घर में बैठे थे और क्या रे, बाहर आसे ना तो भी कमरे में ढूंढते, ऐसे कमरे सब सब तब, मगर वो बाहर आसे, वो इधर ना आसे, कोई डिप्टी में आसे, कोई उधर आसे, कोई उधर आसे, घर में आसे तो घर में ठा ले, रात को, रात को ठा ले सब को, बाहर ना निकले तुम, अस बाहर निकले ना, हल्ला हुआ है भाई,
बाहर नहीं निकलना बोल के गए थे तुमसे तुम मत निकलना बाहर नहीं निकलना अगर बाहर निकले इस कड़ी निकली उस कड़ी ने जयकार बुलाया कि जय हिंद फिर पता लगे कि मार के चले कोई हैंकी वैंकी है क्या सर लग रहा था हैंकी नहीं आया छोटे छोटे कैसे नहीं किया है शादी किसी ने करी नहीं शादी नहीं करी काल देखो दिल दी करदा है दिल आपका घर भी आस पास कहाँ है घर आपका घर कौन सा है सामने वाला तीन घर हैं जिन दिन बिन चुन निकाले निकाल के ले आए ये देवर मेरे इस घर में ये देवर का घर था ये बारह से काम कर करता ओ मकान है सारे ओ दूसरा ओ मकान है जो ये त्रै लैनी बिच उधरों आने दे कट के किसने क्या माता ये किछ पता नहीं लगे कुछ पता नहीं लगे आर्मी वाले आसे कौन आसे पता नहीं लगी कुछ अंदर बाहर वो निकल नहीं देते किसी किसी नहीं निकलन देते बाहर बाहर चलो पावर बजा छोड़े लाइट नहीं रही कुछ नहीं रही निकलो बाहर अंदर नहीं बाहर नहीं जाना इधर ही लाइन में खड़ा लाइन में चिट्ठी लाइन में क्या बोलूं यार कुछ कहने के लिए नहीं रह गया समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूं दिल भर गया यार पता ही नहीं किया किसने किया ये कोई 25-24 सालों में मिस्ट्री बन गई है यार ये 36 तो वो लोग हैं जिनको गोलियां लगी हैं उनका परिवार मैं मेरा नाम रविंदर पाल सिंह है और मैं एक्स सेक्रेटरी यहाँ गुरुद्वारा साहब का जिस गुरुद्वारा साहब में खड़े बहुत अच्छी हमें एक आज खुशी भी हुई कि कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं जो मैसेकर 2000 में हुआ उसको देखने के लिए लेकिन बदकिस्मती ये रही कि हम लोग आज 26 साल हो गए हैं सरकार को हर साल बोलते हैं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए हुई तो नहीं इंक्वायरी तो दूर है लेकिन बदकिस्मती में ये बताना चाहूँगा खास करके कश्मीर में हम सिख रह रहे हैं अगर आप एक सर्वे देखेंगे तो इस सर्वे में अगर पंडितों और सिखों का कम्बिनेशन देखेंगे आपस में तो यहाँ पर कश्मीरी सिख ज़्यादा मरा हुआ है मिलिटेंसी के दौरान चलो मुसलमान तो मरा हुआ है मेजॉरिटी पॉपुलेशन में था उनका भी बहुत सारा नुकसान हुआ लेकिन अगर आप उस मैसेकर उस 91 से लेकर 2016 या 18 तक देखेंगे
तो उसमें सिखों की ज़्यादा पॉपुलेशन है जो हम शहीद हुए हैं। कहीं पर हम लोगों को चिट्ठी सिंहपुरा में मैसेकर हुआ, श्रीनगर आप जाएंगे तो महजू नगर में मैसेकर हुआ, पोस्ट क्रीडी में जाएंगे तो वहाँ हमारी बेटियों का मैसेकर हुआ। उसके बाद गिने चुने हमारे पुलिस वाले जिनको टारगेट किलिंग की गई, उनको शहीद किया गया। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि कश्मीर में सिखों को सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला। हमारे 35 फैमिली जो हैं, एक छोटी मोटी नौकरी स्टेट गवर्नमेंट में दी गई और एक लाख रुपए की एक्सेशन रिलीफ दी गई, उसके बाद तो कुछ दिया नहीं गया। बाकी हम लोग अभी भी सरकार से कहते हैं कि सेंटर में जिस हिसाब से आजकल मोदी सरकार है, बहुत सारे हमारे 1984 के मैसेकर जो हुए उसकी इंक्वायरी हुई, बहुत सारे कातिल अंदर गए। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि चिट्ठी सिंहपुरा का मैसेकर कश्मीर का बहुत बड़ा मैसेकर था, यहाँ हुआ नहीं। फैमिलीज आप देखेंगे, अगर ये 35 फैमिली की आप बात करेंगे तो इनकी सिर्फ एक जनरेशन को नौकरी मिले, इनके जो अगली जनरेशन है बच्चे जो हैं वो एक प्राइवेट सेक्टर में हैं, कुछ तो काम भी नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसी लेडीज़ हैं बेचारी जो रिटायरमेंट की कगार पे हैं। तो फाइनेंशियली आस्ता 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 हम लोग वीक हो रहे हैं। तो हम लोग, अगर आप कहीं आप हमारी आवाज़ पहुँचाते हैं, तो हम लोग ये कहना चाहेंगे कि इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। और जिस तरीके से आप कश्मीरी पंडितों को VIP ट्रीटमेंट दे रहे हो, हम ये नहीं कहते आप उनको नहीं दीजिए, उनका भी बहुत सारा लॉस हुआ, वो कश्मीर छोड़ के चले गए, उनकी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ। जिस तरीके से आप लोग हर साल उनके लिए एक अच्छी पैकेज एम्प्लॉयमेंट की निकालते हैं, उनके लिए आपने सेपरेट एकोमोडेशन दे रखी है, हम तो कश्मीर छोड़ के नहीं गए, हम लोग आज खुश हैं, मेजॉरिटी पॉपुलेशन के साथ रहते हैं, मुसलमान हमारे भाई हैं, हम लोग जितना भाईचारा हम मुसलमान और सिखों का है, मुझे नहीं लगता कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं ऐसा होगा। और हम लोग आपको ये श्योरिटी देते हैं, वी आर सेफ, हम लोग सेफ हैं यहाँ, कोई ऐसा इशू। लेकिन हम कहते हैं कि अगर हम माइनॉरिटी में आते हैं, माइक्रो माइनॉरिटी में आते हैं, ना आप लोगों की तरफ से हमारे लिए कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए पैकेज होती है, ना आप हमें रिजर्वेशन दे रहे हैं, ना कुछ इस तरीके से, तो कश्मीर से साइलेंट माइग्रेशन हमारी हो रही है। हमारे बच्चे जब पढ़ के MBA कोई BTech या और कुछ करके आता है, वो बेचारा प्रेफर करेगा बाहर किसी कंपनी में जाएगा। जब वो बाहर जाएगा, मैरिज वहीं करेगा, फैमिली वहीं सेटल होगी, आस्ता आस्ता अपने माता पिता को भी लेता जाएगा, आस्ता आस्ता कश्मीर से आपको आने वाले 5-8-10 साल में ये लगेगा कि कश्मीर में कहीं गिने चुने सिख रह रहे हैं। तो हम सरकार से भी कहना चाहेंगे कि थोड़ा ध्यान जो है सिखों की तरफ दिया जाए। बाकी बस यही है कि इस मैसेकर की इंक्वायरी हमारे, जब तक हमारे ये गांव जब तक है या जब तक कश्मीर में सिख रहता है, हर साल ये कहता रहेगा कि इस मैसेकर की इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए, मैजू नगर मैसेकर की इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए, पोस्ट क्रीडी में हमारी बेटियों को मारा गया उसकी इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। हम कहते रहेंगे और जब तक जिंदा है तब तक कहते रहेंगे।